नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट मीडिया। रोहतास जिले के संझौली प्रखंड में विज्ञान प्रदर्शनी में 9 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भागीदारी रखी, जिसमें के मध्य विद्यालय संझौली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैथी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरुड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजितपुर, गौरी शंकर मध्य विद्यालय संझौली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसौरा, CRC मध्य विद्यालय सोसाड़ी आदि विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें के मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार, करमैनी मध्य विद्यालय से रानी कुमारी, कैथी मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक के अलावा सुसाड़ी, गरुड़ा, बाजितपुर, बसौरा के शिक्षक उपस्थित रहे। वहीं इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान करमैनी मध्य विद्यालय के छात्राओं को गया, तो दूसरे स्थान पर सुसाड़ी मध्य विद्यालय के छात्रों को मिला तथा तृतीय स्थान पर बसौरा मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को रहा। सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत यंत्र बना है, इसमें भरते ही ये इंडिकेट कर देगा, बजने लगेगा। मतलब जैसे ही पानी इसमें भर जाएगा, ओवर हो जाएगा, और ये जो आप लोग बेल बना है वो बजने लगेगा, यही कहना है ना? मतलब उसमें लाइन देना पड़ेगा। यस। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। किस विद्यालय से हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमैनी। आकाश कुमार। किस विद्यालय से हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमैनी। आप बना है? पानी बर्बादी को रोकने के लिए हमने विद्युत यंत्र बनाया है। आपको मतलब किस श्रेणी में रखा गया? प्रथम। आप मतलब अपने स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही दे रहे हैं कि अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश रखना चाहिए। इस्तेमाल किए हुए हैं बनाने के लिए? ये बड़ा स्टोन है। हाँ, इसमें क्या है? पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, ठीक है। आगे उसके बाद है सैंड, बारीक बारीक बालू। ठीक। उसके बाद चारकोल है, उसके बाद कॉटन है, उसके साथ फिल्टर पेपर है, और प्योर वाटर। आजकल पानी के चलते ये बीमारियां हो रही है। कौन सा विद्यालय से आप लोग हैं? पानी की जो संकट। क्या नाम है आपका? देहातों में भी लिखता जा सकता है। किस क्लास से आप लोग? इस्तेमाल हम विज्ञान में करते हैं, इसको इस पर रगड़ दिए, रफ कर दिए। हो गया, दर्द को बुझा दिया जाए। और ये खट्टा चीज है, जिसके बारे में हम अम्ल के बारे में बताए। अब हम इस पर रफ करेंगे। हो गया रे, ये खट्टा चीज हम पैसा ना लगाकर अपने घर में ही जुगाड़ कर सकते। बनता है ना, हमको बताओ। बनता है, सिखा देती है। ताली बजाओ, थोड़ा सा ताली बजाओ। घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा से अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हवा से पंखी क्यों चलती है? हवा में ऊर्जा है।
ताप उड़ जाए बोलो अधिक से अधिक भार भी उठा सकता है। इसका क्या काम है? उठा वाटर प्यूरीफायर साफ करके दिखाया है। पानी वहाँ डालो डाल कर रखना। डालो तो ये चीज बताओ ये 4-5 डीबी का मकसद क्या है? आइए बैठिए बैठिए कैसे तो नीचे चला जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। यहाँ तो यहाँ से तो पूरा पीछे से पाइप इसमें होगा, पीछे इधर होगा, फिर इसमें से बाहर निकल जाएगा। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। नहीं पता है ना? बहुत साफ सुथरा। इसी प्रकार हमारे मोबाइल का खोज हुआ था। बहुत प्रार्थना किया, जोर से ताली बजाओ। जिला में जाने से पहले सिस्टम अपना सब ठीक कर लेना, वहाँ पर लोग देखेगा। जी मैडम सर देखें रघुवा रामनाथ बाबू और मैं जो छात्र पद इधर तो कलम दे दीजिए। चलो जोरदार तालियां से हौसला अफजाई करो। खुश रहे बाबू। हम लोगों ने देखा कि मध्य विद्यालय अमेठी की एक छात्रा, हालांकि उस छात्रा से हमको पहले भी भेंट हो चुका है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में हम लोग अमेठी ग्राम में गए हुए थे तो उस छात्रा का एक भाषण भी वहां पर हुआ था और बड़ी ही आकर्षक ढंग से उसने भाषण दिया था। और यहाँ पर जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, बनाने के बाद में उसकी प्रस्तुति करते हैं, अगर प्रस्तुति के लिहाज से समझा जाए तो हम लोगों के नज़र में सबसे बेटर प्रस्तुति रही उस छात्रा की, जिस ढंग से उन्होंने अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। साथ ही उससे भी बेटर यह था कि उन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का एक नमूना दिखाया, वो भी अच्छा था। लेकिन जो अम्ल और क्षार का जो गुण उन्होंने अपने बिना लिटमस पत्र की सहायता से अपने लोकल विद्यालय के फूल इत्यादि के माध्यम से जो उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में, नीला लिटमस पत्र कैसे लाल हो जाता है या लाल कैसे नीला होता है, इसका जो एग्जाम्पल उसने रखा, यह अपने आप में बहुत ही आकर्षक था और विद्यालय के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि विद्यालय में चारों तरफ हो सकता है कि लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं हो, हम लोग बिना लिटमस पत्र के कैसे अपने बच्चों को अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी दे सकते हैं, इस बच्ची ने बताया। तो हम चाहते हैं 5 तारीख को जिले में है तो
जिले में विद्यालय की ओर से जाना है ना, विद्यालय से आप संपर्क बना लेंगे, जो भी हमारे प्रथम द्वितीय तृतीय छात्र आए हुए हैं, और विद्यालय के माध्यम से 5 तारीख को आप लोग, स्थान कहाँ है? अच्छा, आप लोग शिक्षा विभाग का जो करें, आज आपको प्राइज से सम्मानित किया गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं या लड़कियों को क्या मैंने संदेश देना चाह रही हैं पढ़ाई को लेकर के? मैं लड़कियों के यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो और को और मेहनत करें और आगे बढ़े। जी, आपका नाम? आसकी राजे। किस विद्यालय से हैं आप? उत्कर्मी माध्य विद्यालय बसौरा। किस क्लास में? वर्ग 8।